यूपी के झांसी से खबर है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रेलगंज पुलिया नंबर 9 में घर में अकेली रह रही 70 वर्षीय वृद्ध महिला की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की सूचना पर पुलिस टीम जांच में जुट गई। पूरा मामला झांसी जनपद में आने वाले प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रेलगंज पुलिया नंबर 9 का बताया जा रहा है। तो वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की हत्या की गई है। अच्छा, मम्मी यहाँ पर अकेली रहती। क्या नाम मम्मी का? मेरी माँ का नाम दुर्गा देवी है। और तुम कहाँ रहती हो? सर जी मैं नगरे में रहती हूँ। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? नगरे में। हुआ क्या है? सर जी मेरे को तो इस बात की हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम आए ना तो सर जी हम आए तो ये उल्टी पड़ी हुई थी। हमने ताला तोड़वाया खुलवाया तो हमने देखा कि ये उल्टी पड़ी हुई है। ये दोनों लॉक इधर से दोनों कुंडियाँ लगी हुई थी तो हमने फटाक दोनों कुंडियाँ लगी हुई थी तो हमने फटाक से आकर कुंडियाँ खोली। पहली वाली हमें तट पर गए तो हमने कहा मम्मी कहीं जाएंगी तो कुंडियाँ लगा तो हमने देखा कि मम्मी घर के अंदर नहीं है तो हमने कहा मम्मी सब जगह देखा तो ये यहाँ उल्टी पड़ी हुई थी। तुम्हें कैसे पता चला? हमें बगल वाला लड़का गया हमारे पास। क्या बताया तुमने? उसने कहा कि दादी दरवाजे नहीं खोल रही है, दो तीन बार मम्मी जा चुकी हैं और यानी दरवाजे नहीं खोल रही है और लाइट भी नहीं जली है। तो हमने कहा लाइट तो मम्मी शाम को जला लेती हैं किसी ना किसी तरह से। तो हमने कहा वो कहने लगा। तुम्हारी माता जी क्या नाम है? दुर्गा देवी। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? वो अकेली ही रहती थी, कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता। और ऊपर दो किराएदार रहते थे। कहाँ के थे? वो हमको इस बात में जानकारी नहीं है, लेकिन वो हफ्ते बाद पहले ही आए थे। कहाँ है वो? ये बगल वाली भाभी कहने लगी हमसे प्रेम भाई सर की बहू की वो दो दिन पहले ही चली गई। दो दिन पहले चले गए? हाँ, लेकिन हमारा भाई कह रहा है कि उन्होंने उनको जाते हुए देखा है, भागते हुए देखा है। तुम्हारे भाई भी है? भाई यानी हमारे चाचा का लड़का। अच्छा, क्या नाम है उसका? राम बाबू भाई सर। लेकिन उन लोगों का क्या, उन लोगों का आना जाना नहीं था क्योंकि उन लोगों के बीच थोड़ा मनमुटाव था। तुमने देखा क्या किराएदार को अभी रात में? हमने किराएदार को नहीं देखा। नहीं, कब उन्होंने जाते देखा? उन्होंने राम बाबू ने? अभी तो हमें जानकारी नहीं है, कह रही है वो। कब कब मतलब कौन कौन स्थान देखा? कल की कह रहे हैं। चलो, क्या जेवर एवर सब सुरक्षित है, सामान? जी नहीं सर जी, जेवर सारा गायब है। जैसे ही हमने मम्मी के पास अंदर आया तो सबसे पहले हमने मम्मी को देखा, फिर कह रहे ये हमें थोड़ा केस थोड़ा दूसरा लग रहा है, मर्डर तो हमने जाके फिर बकस खोल कर देखा है तो बकस में कुछ नहीं था। गले में जो पहने थी, कानन में कुछ? गले का हमने कुछ नहीं देखा, उनको ऑलरेडी वो इतनी बुरी तरह से जख्मी थी कि हमने कुछ नहीं देखा। चेहरे में चोट है? चेहरे में चोट है उनकी, चेहरा उनका बुरी तरह से यानी उनको बहुत बेदर्दी से मारा गया है। वो उनकी पूरी पुरानी ज्वेलरी ले गई है मेरी माँ। हाँ, नकदी भी था उसमें और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। सर, क्या मामला था प्रेमनगर, सॉरी सर, प्रेमनगर थाना क्षेत्र में क्या घटना हुई है? रेलगंज मोहल्ला है थाना प्रेमनगर में। ये एक श्रीमती दुर्गा देवी हैं, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या की आशंका है। इन्होंने एक हफ्ते पहले दो किराएदार रखे थे, एक महिला और एक पुरुष, इनके द्वारा हत्या किए जाने की आशंका है और उनकी बेटी के अनुसार कुछ सामान भी गायब है। तो ये प्रॉपर्टी के लिए हत्या और चोरी की लूट की घटना प्रतीत होती है। इसके संबंध में कुछ सुराग प्राप्त हुए हैं, इनका शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। सर, ये कहाँ के थे ये जो किराएदार थे? किराएदारों के संबंध में कोई जानकारी ना तो मकान मालिक दे पाए हैं ना तो पड़ोसी दे पाए हैं। ये बहुत दुखद है कि लोग बिना पुलिस वेरिफिकेशन के और बिना किसी जानकारी के किराएदार रख लेते हैं और उनके द्वारा जघन्य घटनाएं पारित कर दी जाती हैं। इस संबंध में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा सेंसिटाइज किया जा चुका है कि लोग किराएदार रखने से पहले और नौकर रखने से पहले वेरीफाई कराएँ और कहीं कहीं इस संबंध में लोग जागरूक नहीं हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। सर, ये हत्या कैसे की गई? हत्या के कारणों का नहीं कि मतलब क्या चाकू मारा है या क्या, जो भी हत्या की तरीका है उसके संबंध में पोस्टमार्टम के बाद में जो भी जानकारी मिलेगी आपको अवगत करा दी जाएगी।